टैली वीडियो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे किस तरीके से टैली में फर्स्ट टाइम कंपनी क्रिएट की जाती है। यहाँ आप हमारी स्क्रीन पर कंपनी इन्फो देख रहे हैं। कंपनी इन्फो में सबसे पहली चीज़ हम अपनी एक कंपनी क्रिएट करेंगे। तो हम क्रिएट कंपनी पर जाते हैं और कंपनी क्रिएशन के लिए फॉर्म फिलअप कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डायरेक्टरी आपको दिखाई जा रही है, तो ये बता रहा है आपको कि टैली जो अपनी फाइलों को सेव करता है, स्टोर करता है, वो एक स्पेसिफिक लोकेशन पर स्टोर करता है। तो वो लोकेशन यहाँ पर दिखा रहा है, हम इसे चेंज करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। हम कंपनी का नाम मेंशन करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक नाम मेंशन किया, फॉर एग्जांपल राजीव मिश्रा प्राइवेट लिमिटेड, ये मैंने कंपनी का नाम दे दिया। अदर इन्फॉर्मेशन जनरली क्लास के अंदर फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कंट्री इंडिया ऑफ कोर्स, दिल्ली, राइट, एंटर, और अकाउंट्स विद इन्वेंट्री ले लेते हैं, स्टॉक के साथ में वर्कआउट करेंगे हम आगे। कंपनी का फाइनेंशियल पीरियड जो है 1 अप्रैल 2017 रखते हैं, 2017 वर्किंग है। अगर आप पासवर्ड देना चाहते हैं तो आप यहां पर पासवर्ड दे सकते हैं। मैंने यहां एक पासवर्ड मेंशन किया, उसको री एंटर कर रहा हूं पासवर्ड को कन्फर्मेशन के लिए। सिक्योरिटी कंट्रोल को येस किया मैंने, और यहाँ मैंने एडमिनिस्ट्रेटर में खुद रहूँगा, तो मैंने अपना नाम मेंशन कर दिया। याद रखिएगा मैंने R कैपिटल दिया है, बाकी सारे लेटर स्मॉल है। सिमिलरली आपको भी सेम केस में ही टाइपिंग में एडमिनिस्ट्रेटर का नाम देना पड़ेगा। इसका पासवर्ड मेंशन करते हैं, री एंटर करते हैं, और बाकी इन्फॉर्मेशन हम अभी कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इसको डायरेक्टली हम एक्सेप्ट करा देते हैं एंटर प्रेस करके। आप चाहें तो इसको कंट्रोल A भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेरी कंपनी क्रिएट हो गई। अब मैं इसको ओपन करता हूँ पासवर्ड से। नेम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर, मेरी जो कंपनी है वो प्रोसेस हो रही है, कंपनी अब लोड हो जाएगी। इस तरीके से मैंने अपनी कंपनी क्रिएट कर दी है। लेफ्ट हैंड साइड में मेरी कंपनी का नाम आ रहा है, राजीव मिश्रा प्राइवेट लिमिटेड, नो वाउचर एंटर्ड, इसमें कोई वाउचर एंटर नहीं किया गया है, और यहाँ पर मेरा गेटवे ऑफ टैली आ रहा है। तो इस तरीके से आप एक नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको कुछ नई जानकारी दूंगा, जिससे आपको टैली में काम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आज की इस वीडियो के लिए थैंक यू।